Hello, my name is Ram Prasad, and in this video, I am going to describe MS Word insert menu. तो इस वीडियो में मैं MS Word का insert menu को discuss करूँगा कि कौन सा tool कहाँ पे है और उसका क्या use होता है. तो let's begin, शुरू करते हैं. आप देखेंगे यहाँ पर पहला group MS Word में insert menu के अंतर्गत ये पहला ग्रुप है पेजेस का. यहाँ पे पेजेस में जो पहला टूल होता है वो होता है कवर पेज का. आप यहाँ पे देख सकते हैं कवर पेजेस में यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो है, इसमें क्लिक करके आप अपने पेज का, मान लीजिए आप एक बुक बना रहे हैं तो उसका फ्रंट कवर अगर आपको बनाना है तो इनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन चुन सकते हैं. और ये जो पिक्चर्स है इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये टेक्स्ट है इसे रिप्लेस कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने बुक का एक फ्रंट कवर पेज बना सकते हैं. ठीक है, अगला यहाँ पे टूल हम देखते हैं पेज ग्रुप के अंडर. यहाँ पे एक ब्लैंक पेजेस का ऑप्शन दिखता है. आपको जैसे बहुत सारे ब्लैंक पेजेस लेने हैं तो बस आप ब्लैंक पेजेस में क्लिक करते जाइए और यहाँ पर ब्लैंक पेज इंसर्ट होते जाएंगे. आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 3 out of 3, यानी कि यहाँ पर हमने 2 पेज और इंसर्ट कर दिए हैं. अब हम यहाँ पर अगला ऑप्शन देखेंगे ब्रेक पेजेस का. तो ब्रेक पेजेस को समझने के लिए मैं अपना कर्सर यहाँ पे रख देता हूँ और उसके बाद पेज ब्रेक में क्लिक करता हूँ. आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ऊपर का भाग है यहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा और जो ये इसके नीचे का भाग है ये अगले दूसरे पेज में आ जाएगा. तो मैं अपने कर्सर को यहाँ पे रख देता हूँ और पेज ब्रेक में क्लिक करता हूँ. जैसे ही मैंने पेज ब्रेक में क्लिक किया तो ये जो ऊपर का टेक्स्ट था ये एक पेज में रह गया और जो नीचे का टेक्स्ट था वो दूसरे पेज में हो गया. तो मैं इसे कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेता हूँ और अब अगले ग्रुप को समझते हैं. ये अगला ग्रुप है टेबल्स का, और यहाँ टेबल्स में आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप कर्सर इन बॉक्स के ऊपर ले जाएंगे वैसे वैसे आपकी टेबल बनती जाएगी. तो एक तो ये तरीका हुआ टेबल बनाने का, आप इस तरह से एक टेबल बना सकते हैं. ये देखिए एक टेबल बन गई. इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं चाहते, इसे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ. इसके अलावा अगर आप एक टेबल इंसर्ट कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक बड़ी सी टेबल इंसर्ट करानी है जिसमें 5 कॉलम हो और 2 रो हो, तो बस यहाँ पे आप लिख दीजिए इनको और ओके कर दीजिए और आप देखेंगे यहाँ पे एक टेबल बन गई. मैं इसको फिर से बैक कर देता हूँ, कंट्रोल जेड करके इंसर्ट में गया. यहाँ पर टेबल्स में अगला ऑप्शन दिखाता हूँ आपको. यहाँ पर ड्रा टेबल्स, यानी आप अपने हाथ से यहाँ पर टेबल बना सकते हैं जितनी बड़ी चाहें. ये इस तरह से आपके पास एक पेंसिल आ जाएगी और इस तरह से आप अपने हाथ से एक टेबल बना पाएंगे. तो ये यूज होता है ड्रा टेबल्स का. इसे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ ये. और यहाँ पर टेबल्स में हम अगला ऑप्शन देखते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आप एक्सेल शीट को इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें आप कोई भी डाटा भर दें. जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ये डाटा भर दिया और जैसे ही हम यहाँ पर ओके में प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये जो हमारा टेबल थी एक एक्सेल की जो हमारी वर्कशीट थी वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है. इसे मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ और आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ. यहाँ पर हम टेबल्स में गए और देखते हैं अगला क्यूब टेबल्स. ये क्यूब टेबल्स का जो ऑप्शन है इसके मदद से हम कोई ऐसी टेबल जो हम बनाना चाहते हैं उसका फॉर्मेट यहाँ से हम ले सकते हैं. मान लीजिए आपको कैलेंडर बनाना है तो यहाँ से कैलेंडर का फॉर्मेट मिल जाएगा हमको. जैसे आप मान लीजिए आप कैलेंडर बना रहे हैं और आपका जो 1 तारीख है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो आप मंडे को बस 1 लिख दीजिए, उसके बाद आप टाइप को प्रेस करते रहिए. यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 लिख दीजिए और यहाँ पर बस आप लिख करके टाइप प्रेस कर दीजिए. 3, यहाँ पे 4, और इस तरह से आपका कैलेंडर बन जाएगा और आप इसे यूज कर पाएंगे. अगला ऑप्शन देखते हैं हम. ये तो था टेबल्स, टेबल्स ग्रुप के अंडर में जितने भी ऑप्शन थे वो हमने डिस्कस किए. अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी टूल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. तो इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर पहला जो टूल है वो है पिक्चर का. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर्स. आपका कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज
आपकी लोकल फाइल्स जो कि आपने कंप्यूटर में सेव कर रखी हैं उनका यूज़ कर सकते हैं दिस डिवाइस में यूज करके। बस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे आपकी बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। इसे मैं बैक कर देता हूँ। अगला ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे सेव्स का। यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप कोई सा भी यहाँ पे सेव ले सकते हैं। ये इस तरह से आप यहाँ पे सेव सेव ले सकते हैं, इसके अंदर कलर भर सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला ऑप्शन हम देखेंगे इंसर्ट में गए, इलस्ट्रेशन में गए और आइकन्स में। ये जो आइकन्स ऑप्शन है ये ऑनलाइन चलता है। अगर आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो ये वाला ऑप्शन जो है ये काम नहीं करेगा। इसके बाद 3D मॉडल्स, ये जो 3D मॉडल्स का टूल है ये भी जब आप ऑनलाइन रहेंगे तभी काम करेगा। इसके बाद स्मार्ट आर्ट्स का एक टूल है, इसका यूज करके आप कोई लिस्ट बना सकते हैं, कोई अच्छा प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना हो तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए डाल दिए, यहाँ पे बी डाल दिए, यहाँ पे सी डाल दिए। अब यहाँ पे भी आपको कुछ डालना है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं 1 2 3, और कुछ भी आपको अगर लिस्ट बनानी हो तो इसका यूज़ करके आप बना सकते हैं। ये इसे मैं हटा देता हूँ और इंसर्ट में जाते हैं और अब अगला ऑप्शन देखता हूँ। यहाँ पे चार्ट्स का एक टूल है, इसकी मदद से आप चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप एमएस एक्सेल में बनाते हैं। इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, स्टॉक चार्ट, ये सारे के सारे चार्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो इनकी मदद से आप चार्ट बना सकते हैं। अब हम देखते हैं, इसे फिलहाल मैं काट देता हूँ। ये इंसर्ट के अंदर अभी ये स्क्रीनशॉट्स का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके आप अपने जो भी आपका पेज है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम अगले ग्रुप को देखते हैं मीडिया। आप यहाँ पर ऑनलाइन, जब आपका डिवाइस ऑनलाइन रहेगा इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा तो ये वाला जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट रहेगा, और जब ये एक्टिव रहेगा तब यहाँ से आप कोई भी लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और आपका जो, जैसे आपने यूट्यूब की लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया यहाँ पर, तो जो आपका यूट्यूब का वीडियो है वो आपका एमएस वर्ड में प्ले होने लगेगा। इसके बाद लिंक्स का ऑप्शन है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने लोकल फाइल का यहाँ पे कोई भी लिंक दे सकते हैं, कोई आपको डॉक्यूमेंट अगर इससे खोलना है या फिर कोई पिक्चर्स आपको इससे खोलनी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बुक मार्क को। तो बुक मार्क, पहले आप अपने कर्सर को कहीं भी रख दीजिए, जैसे आपका आपने अपना कर्सर यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद हम बुक मार्क में क्लिक करते हैं और बुक मार्क का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मैंने इसका ABC नाम दे दिया और एड में क्लिक कर देते हैं। अब अपने कर्सर को आप कहीं भी रख दीजिए और आप बुक मार्क में जाएंगे, ABC लिखा है, इसमें गो टू में क्लिक करेंगे और आपका कर्सर वहीं पे चला जाएगा जहाँ पे आपने पहले कर्सर को रखा था। जैसे हमने यहाँ पे रखा था तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। अब लिंक्स ग्रुप के अंडर में हम एक और ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का है, जो कि बुक की इंडेक्स बनाने में काम आता है, जिसका हम आगे की वीडियोज में देखेंगे कि किस चीज़ में यूज होता है। इसके बाद हम अगला टूल देखते हैं। यहाँ पे कमेंट्स ग्रुप के अंदर में कमेंट्स का टूल है, इसका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी कमेंट्स दे सकते हैं। जैसे मैंने इसमें, मुझे कोई कमेंट देनी है, जैसे थीम लिखा हुआ है, इसके बाद मुझे कोई कमेंट देनी है तो बस मैं कमेंट्स में क्लिक करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे जो थीम है वो हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पर कमेंट्स लिखने के लिए आ जाएगा। हम यहाँ पे कोई भी कमेंट्स लिख सकते हैं और लिखने के बाद अगर हमें नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको हम यहीं से डिलीट कर सकते हैं। हम इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट कमांड कमेंट में क्लिक करेंगे और ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब हम इसका अगला ग्रुप देखते हैं। यहाँ पर हेडर और फुटर का एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें हेडर का ऑप्शन मिलता है और फुटर का ऑप्शन मिलता है और पेज नंबर का ऑप्शन मिलता है। इनको एक एक करके हम समझते हैं। आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट में कोई हेडर लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर हेडर में अपना नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम प्रसाद। अब आप देखेंगे ये आपके डॉक्यूमेंट में राम प्रसाद लिख गया, अभी आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज में इस तरह से लिखा रहेगा। और मान लीजिए पेज के अंत में आपको पेज नंबर डालना है तो आप फुटर में क्लिक करेंगे और आप चूज करेंगे कि आपको पेज के अंत में क्या
क्या क्या डालना है। आप जैसे यहाँ पे आपका कर्सर आ गया, आप इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर आप पेज नंबर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे बॉटम पेज में जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर आ गया, यहाँ पे पेज नंबर 2 आ गया, यहाँ पे पेज नंबर 3 आ गया। इसी तरह से आप डेट डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं फुटर में। और हम इंसर्ट्स में वापस आते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये हेडर, फुटर और पेज नंबर को हमने समझा। अब अगला ग्रुप है टेक्स्ट का, तो पहले हम डॉक्यूमेंट्स में ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे क्यूक पार्ट्स। सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, मान लीजिए आपको अपने डॉक्यूमेंट के बीच में कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के बीच में एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं और इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है ए बी सी या फिर यक्स यक्स बाई जेड, इस तरह से आप लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अच्छे अच्छे डिजाइंस डाल सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप एक टेक्स्ट बॉक्स को बना भी सकते हैं। इसके बाद हम इंसर्ट में टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हम दूसरा टूल देखते हैं, यहाँ पे क्यूक पार्ट्स का है। यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट, यानी आपको अगर कुछ ऑटो टेक्स्ट में लिखना है या फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज फील्ड, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे बार आर्ट, मान लीजिए आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है, टाइप टाइप टेक्स्ट है, या जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राम प्रसाद। अब आप देखेंगे किस तरह से इसकी डिजाइन बनेगी, ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन हो गया। और आप यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट को चुन सकते हैं, ये देखिए ये इस तरह से आप चुन सकते हैं, ये बर्ड आर्ट, ये वाला बर्ड आर्ट का ऑप्शन था। इसके बाद हम अगला टूल देखते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कैप का है। पहले मैं सबको एक बार हटा देता हूँ, उसके बाद मैं ड्रॉप कैप दिखाता हूँ। ये मैंने सब कुछ हटा दिया, ये अब मेरा प्लेन डॉक्यूमेंट बचा है। अब मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और ड्रॉप कैप में जाता हूँ और यहाँ पे ए ड्रॉप में क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे वीडियो जो लिखा हुआ था उसका जो भी है वो बड़ा हो गया है। इसी तरह इसका यूज न्यूज़पेपर में करते हैं। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं सिग्नेचर का। मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट इतना बड़ा है और आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, तो यहाँ पे सजेस्ट सिग्नेचर फॉर एग्जांपल जॉन डी। यहाँ पे मान लीजिए आपको अपनी साइन करनी है तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे जिससे साइन करवानी है और यहाँ पे सजेस्टेड सिग्नेचर्स टाइटल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्या है, मैनेजर है, टीचर है। तो आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे टीचर डाल देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे टीचर डाल दिया। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह बहुत सारे ऑप्शन इनका यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे ये आ गया सिग्नेचर करने के लिए, तो इस तरह से आप ला सकते हैं सिग्नेचर करने के लिए। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको नोटपैड ओपन करके दिखाता हूँ, ये हुआ। और यहाँ पे ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, फोटोशॉप इमेज, एडोब डॉक्यूमेंट, कुछ भी आप कर सकते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे फिर अगले ग्रुप में हम आते हैं, ये अगला ग्रुप है सिंबल्स का। यहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन, यानी कि अगर आपको मैथ की कोई इक्वेशन को अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करनी है, अपनी डॉक्यूमेंट में कोई आपको मैथ की इक्वेशन लिखनी है, तो इसका यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में मैथ की इक्वेशन को लिख सकते हैं, कोई फार्मूला लिख सकते हैं। ये मैं इंसर्ट में जाता हूँ और इक्वेशन देता हूँ, ये सारे ऑप्शन इंसर्ट इक्वेशन में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं, ये है सिंबल्स का। अगर आपको कहीं भी अपने सिंबल्स ऐड कराने हैं तो वहाँ पे पहले अपने अपना कर्सर रख दीजिए, उसके बाद सिंबल्स में क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे मैंने एक स्माइली को ऐड किया और इसका साइज बढ़ाने के लिए
ये देखिए हमने इसका साइज भी बढ़ा दिया। तो ये था एमएस वर्ड का इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत आने वाले सारे के सारे ग्रुप्स, टूल्स, कमांड जितने भी थे वो मैंने सारे डिस्कस किए। तो आपको कैसा लगा, आपके कितना समझ में आया और आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।